हेलो गाइस, और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। और मैं बहुत दिन बाद में आप सब से मैं बात कर रही हूँ। आजकल मतलब लाइव आने के चक्कर में मेरा वीडियो अच्छे से बनी नहीं रहा है, और लाइव ज्वाइन करने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएं आप सब कैसे हैं? आशा करते कि मैं सब ठीक ठाक ही होंगे, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग हम लोग घर में रह रहे के अब शायद थोड़ी सी बोरिंग होने लगी है, क्योंकि क्या करें, बस वही काम है, रोज़ का काम जो भी है बस वही हमें करना है, और बस खाना बनाओ, पकाओ, खाओ और घर में रहो, बस इसके अलावा कुछ काम नहीं है। तो आई होप आप सब भी बस ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और क्या करें हम सब, तो सोच रही थी आज मैं आपसे थोड़ी देर बात कर लूँ। कैसे हैं आप सब और बोलिए। तो आज का मैं कुछ तो रेसिपी शेयर करूँगी, देखती हूँ क्या रेसिपी शेयर करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएंगे। तो और मेरे बहुत सारे अभी फ्रेंड्स बने हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और एक खुशखबरी आपको बता दूँ, मैं इसलिए मैं आज सोची मैं आपको बता देना बहुत ज़रूरी है। कल मेरा जो कल का डेट क्या था, 29 था, आज 38 को 29 को शाम को मेरा 2K पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। आप सबने इतना मेरा मतलब समय दिया और मेरे चैनल में आप सब आए, सबने सब्सक्राइब किया, लाइक दिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आप सब ऐसे ही मेरे साथ में बने रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आप सबसे जुड़ी रहूँ, आप सबसे भी बातें करती रहूँ। तो क्या करूँ, थोड़ी सी खा खा के देखियो मैं गेन कर रही हूँ। और बताओ आप सब, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बातें करके। आई होप आप सब लाइक ज़रूर करेंगे। प्लीज़ आप सब मेरे साथ में बने रहिए। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे किचन है, तो अभी मैंने खाना वाना बना के आई हूँ। अभी नाइट का समय है तो सोची ब्लॉग को मैं शुरू कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेंगे तो पता नहीं, अगर अच्छा लगे तो प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो शाम को आज पूरी और मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी, तो मैं पनीर की सब्ज़ी मैंने बना दिया है और बेटी पूरी बनाएंगे गर्मा गर्म, तो मज़े से खाएंगे। हस्बैंड चेक कर रहे हैं कि कैसे बने हैं, कि बने हैं कि नहीं बने हैं। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोल दिया आप सबको। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सबको मेरे हस्बैंड ने हाय बोल दिया। और बताइए और कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे। और आप सब कौन कौन लाइव आ रहे हैं मेरे फ्रेंड में से, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट के साथ में अपना टाइम भी बता दीजिएगा, ताकि मैं आपका लाइव ज्वाइन कर सकूं, तो मुझे अच्छा लगेगा आप सब मेरे लाइव में आते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन बने हैं, सिस्टर बने हैं, दोस्त बने हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा 2K पूरा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो मैं अभी और क्या बताऊँ, बाहर का क्या सीनरी दिखाओ। मैं तो घर में एकदम लॉकडाउन हो चुकी हूँ, बेटा मेरा एकदम भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं कुछ भी के लिए, बोलते हैं आप घर में रहो, जो भी कुछ करना है हमें बोलो, हम करेंगे। तो इसी वजह से तो घर में ही हूँ। तो चलो अभी मैं जो शेयर करना चाहती हूँ शेयर कर देती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी, ठीक है? तो चलो, तो चलिए थोड़ा सा मैं घर के अंदर से घूम के आती हूँ, देखती हूँ बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। कुछ काम भी चल रहा है घर में, ट्यूबलाइट फिट कर रहे हैं। तो मैं वही देख रही हूँ, सब लोग घर में हैं तो घर में बस इधर उधर सब फैला हुआ है, कुछ ठीक नहीं है। फिर भी चलिए थोड़ा सा देखती हूँ बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, दिखा दूँ बच्चे को। और कोई नहीं आना चाहता क्या मेरा? मैं तो चलो ठीक है, तो चलिए किचन में चलती हूँ। तो मैं आज गोलगप्पा बनाऊँगी, आपने पहले देख ही लिया है,
थंबनेल में तो देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे आलू बॉईल कर लिया है, उसमें बॉईल चने और जो हरा मिर्च है वो भी मैंने बॉईल कर लिया था। तो उसके साथ में नमक और जो भुना हुआ मसाला है, जीरा और सूखा मिर्ची को मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा भून के मैंने उसको क्रश कर लिया था, वही मसाला। और एक पैकेट मैं जल जीरा इसमें दी हूँ। दे के इसको अच्छे से आलू को मैंने मतलब पूरा मिक्स कर लिया अच्छे से सुंदर से। तो गोलगप्पा में थोड़ा सा बॉयल चना और आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं सोच रही थी मैं क्या रेसिपी आपसे शेयर करूँ, तो बस मेरे दिल में आया कि चलो आज गोलगप्पा ही शेयर कर देते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग सब घर में बैठे हैं, बाहर का कुछ हमें मिल रहा नहीं है, तो घर में कुछ ना कुछ बना के हम लोग खा रहे हैं, तो आप सबसे भी शेयर करना तो बनता ही है। तो आलू को बहुत अच्छे से टेस्टी से बनाने से आपको गोलगप्पा ऐसे ही बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो मैं आलू पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि मसाला अगर टेस्ट हो तो गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा आलू तैयार है। आप तैयार कर लेती हूँ जो पानी, मैंने यहाँ से फ्रीज का पानी लिया है ठंडी ठंडी। और अभी मैंने इमली को भिगा के इसमें रख दिया था, पहले वॉश कर लिया था इमली को, तो इमली को मैं थोड़ा सा इसमें कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ 2-3 पैकेट जल जीरा थोड़ी सी, और मैंने नमक डाली थी क्योंकि पानी ज़्यादा है, गोलगप्पे भी बहुत सारे हैं। और थोड़ा सा भुना हुआ जो मसाला है, जीरा और साबुत जीरा और सूखा मिर्ची को जो मैं भून के बनाई थी, क्रश किया था, वो भी मसाला डालूंगी इसमें। बहुत ज़रूरी है आपका कि आप भुना मसाला डालें। इसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, गोटा धनिया। तो जो ये सब दे के मेरा पानी भी बहुत ही टेस्टी और यमी बन जाएंगी। ये बिल्कुल सिंपल है पानी, और लेकिन बहुत ही टेस्टी यमी है। और जो ये भुना हुआ मसाला जब पड़ते हैं तो लाजवाब बन जाते हैं पानी। आपको ज़रूरी नहीं, आप बूंदिया भी डाल सकते हैं, हम लोग बूंदिया नहीं डालते हैं। हम लोग लेमन के जो पत्ते होते हैं उसको भी हम लोग बारीक बारीक काट के देते हैं, या तो जो सेंट वाला एक नींबू मिलता है, हम लोग बंगाली में गोंदराज नींबू बोलते हैं, वो हम लोग डालते हैं, लेकिन यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है। लॉकडाउन में हम कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए, तो बस जो है घर में उसी से हम लोग इंजॉय किया है। तो गोलगप्पे सब तोड़ के पहले ये गोलगप्पे जो पैकेट में मिलते हैं मैं लेके घर में फ्राई कर लिया हमने, और उसमें अभी मसाला सब भर के रेडी कर लिए हैं। अभी सबको दे देंगे कटोरी में पानी, अपना अपना लेके डाल के खाते रहेंगे। तो हम सब पूरा इकट्ठा पूरा तैयार कर लिए हैं। तो देखिए आलू मसाला भर भर के डाली हूँ, क्योंकि इसमें स्वादिष्ट ज़्यादा लगते हैं, गोलगप्पे भी बड़े बड़े सज के हैं, और ये पानी है। तो मैं अपने लिए मैं ले रही हूँ गोलगप्पे, और खा के तो मज़ा आ ही जाएगा। तो देखने में भी देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप इसमें पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर वो गोंदराज नींबू जो बोलता है हम लोग वही ऐड करते हैं, लेकिन आज नहीं था। फिर भी आप सबको बहुत मज़ा आया होगा देख के। आप देखिए बना के खा के देखिए, बहुत ही लाजवाब होते हैं। आप घर में भी गोलगप्पे बना सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ऑलरेडी था एक पैकेट, तो मैं उसी को मैंने अपने तेल में मैंने भून लिया था। तो बहुत सुंदर से होते, ये भी अच्छे लगते हैं, और घर का बना हुआ तो लाजवाब होता ही है। तो चलिए गोलगप्पे भी खाती हूँ। मुझे मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं और बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन इतनी सुंदर खुशबू है। तो चलिए आपसे शेयर करती हूँ एक गोलगप्पा खा के कैसे बने हैं। आई होप मुझे देख के आपको समझ में आ ही जाएंगे कि कैसे बने हैं। वाह, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे फिर से खाने को दिल हो रहा है, मतलब इतने टेस्टी और यमी बने थे। और एक दिन बनाऊंगी जो दही पुचके बोलते हैं, दही गोलगप्पे, तो वो भी एक दिन आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। आई होप आप सबको बहुत अच्छे लगे होंगे आज का जो रेसिपी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब कमेंट ज़रूर कीजिएगा अच्छे अच्छे, और लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। बहुत ही ईजी है बनाना, तो आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे। तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें फ्रेंड्स। और 2K हो गया मेरा, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। केक देना चाहिए था, लेकिन केक का मैंने नहीं दिया, मैंने गोलगप्पा का ही दिया। तो आई होप अभी गोलगप्पे हमें ज़्यादा ज़रूरी है, केक तो हम लोग खाते ही रहते हैं, बना के मैं शेयर ज़रूर करूँगी। एनिवर्सरी का भी केक बना के मैं हम लोगों ने काटा था, तो वो भी शेयर नहीं किया, आपसे ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो को।